15 अगस्त को कहीं गायब मत हो जाना, लाल चौक पे मिलना। तू खाता भारत का है और गुणगान विदेशों का करता है, इसलिए तेरे गाल के ऊपर एक चांटा तो बनता है। तिरंगा यात्रा जयपुर से शुरू होकर सीकर पहुंच गई है। सुखदेव जी, आपने 4-6 महीने पहले जब ये बोला था कि आप कश्मीर में जाकर लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराएंगे, तो कई लोगों से कयास लगाए जा रहे थे कि इतनी खतरनाक जगह जाना ठीक नहीं है, भारत का कश्मीर है, वहां पर इतना खतरनाक क्यों है, और आपके इस तिरंगा यात्रा का असली मकसद क्या है? कितना भी खतरनाक हो, खतरों से खेलना सैनिकों का काम होता है, और हमारी आन बान शान पे जब आंच आती है तो खतरे नहीं देखे जाते। आज कश्मीर भारत का अंग है तो हम तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकते? फारूक अब्दुल्ला ने चैलेंज किया था, हमने स्वीकार किया और कल से हम रवाना होकर के चल पड़े हैं और हम तिरंगा फहरा करके आएंगे। पर फारूक अब्दुल्ला से कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त को कहीं गायब मत हो जाना, लाल चौक पे मिलना, क्योंकि तू खाता भारत का है और गुणगान विदेशों का करता है, इसलिए तेरे गाल के ऊपर एक सांटा तो बनता है, सांटा जरूर खाना। तूने कहा था माई के लाल, माई के लाल इस देश के अंदर करोड़ों हैं, और आज देख ले चल पड़े हैं तिरंगा लेकर के आ रहे हैं हम कश्मीर में, तिरंगा हम फहरा करके रहेंगे। 1992-93 के आसपास में मोदी जी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ में वहां पर तिरंगा फहराया था लाल चौक में, उसके बाद में आज तक कोई नहीं कर पाया, और आप मोदी जी के बाद में ये दूसरा काम करने के लिए आए हुए हैं, ऐसा इतना लंबा समय कैसे निकल गया बीच में? यह समय पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चैलेंज अब हमें मिला था और चैलेंज स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत का अंग नहीं है कश्मीर? अगर अंग है तो फिर हम तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकते? मोदी जी, आप कुछ भी नहीं थे उस समय तिरंगा फहराने की कोशिश कर सकते हो, तो आज इस देश के प्रधानमंत्री हो, आपको भी हमारा साथ और सहयोग देना चाहिए। मोदी जी, आपको भी आगे आना चाहिए। एक तरफ तो आप भाजपा सरकार का विरोध करते हैं राजस्थान के अंदर, दूसरी तरफ आप मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, इसमें तालमेल कहाँ है? हम भाजपा का बहिष्कार क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम, हमारी संघर्ष समिति ने मांग पत्र दे रखा है, वो भाजपा पूरा कर दो। हमारी कोई भाजपा से दुश्मनी थोड़ी है, वो अगर मांग पत्र पूरा नहीं करेंगे तो हमारा वो नारा था कमल का फूल हमारी भूल, वो जारी रहेगा। अगर मोदी जी से हमारी इसलिए मांग है कि सरकार नहीं होते हुए वो गए थे, तो आज तो इस देश के प्रधानमंत्री है, ना कि बीजेपी होने के नाते उनसे हम मांग नहीं कर रहे, इस देश के प्रधानमंत्री है इसलिए उनसे मांग कर रहे हैं। नक्सलवादी आतंकवादियों के गढ़ के अंदर घुसकर तिरंगा फहराना उनकी मर्जी के खिलाफ, इस समय इतना आतंकवाद वहां पर फैला हुआ है, ये इतना जोखिम भरा काम करने की लगता नहीं है, डर नहीं लगता कुछ? डरने की बात ही नहीं है, जो हमारी रगों में खून है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, गाय के लिए, मंदिर के लिए, इस देश को बचाने के लिए लाखों गर्दनें काटी थी और हजारों कटवाई थी, वही खून हमारी रगों में है। आज हमारे भाई वहाँ शहीद हो रहे हैं कश्मीर में लड़ लड़ करके, तो क्या हम हमारे देश के लिए हम नहीं हो सकते? हम भी शहीद होने के लिए तैयार हैं, और कोई सामने आएगा तो उसको शहीद करने के लिए भी तैयार हैं। आगे आपका क्या प्रोग्राम है, कहां पर जाएंगे और पंजाब के मुखेरियां में कब तक पहुंच जाएंगे? हम अब यहां से चल करके लक्ष्मणगढ़ से फतेहपुर, फिर रतनगढ़ से पल्लू रुकेंगे, और फिर पल्लू से कल सुबह रवाना होकर के राउतसर, हनुमानगढ़, संगरिया, डब्बाली में थोड़ी देर रुक करके फिर बठिंडा जाकर के नाइट स्टे है परसों का, और परसों सुबह हम मुकेरिया पहुंचाएंगे, और वहां जितने भी भारत से सारे भाई आ रहे हैं उन सबको लेकर के फिर आगे कश्मीर के लिए बढ़ेंगे। ये 15 अगस्त इस बार खास होने वाली है, क्योंकि यहां पर राजस्थान से निकला हुआ है तिरंगा यात्रा, और जिन्होंने इस तिरंगे को थाम रखा है उनके बारे में पूरा राजस्थान जानता है कि वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी, आपको पूरे सीकर की तरफ से तिरंगा का जो सम्मान करते हैं सबकी तरफ से बधाइयां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय राजपुताना, जय जय राजपुताना, जय जय राजपुताना।